से बिजली। जी हाँ गाइस, अब यार देखो किसी भी चीज़ को सिखाने के, किसी भी चीज़ को समझाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दो कि वो किसी को भी समझ में नहीं आए, या फिर आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा आसान बना दो कि वो बच्चे बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो गाइस यार मैं सिंपल सी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत सारी डीसी मोटर्स इस तरीके की होती है, जब हम उन्हें बिजली देते हैं तो वो अपने आप चलती है, लेकिन जब हम उन्हें अपने आप चलाए तो वो उल्टा बिजली बना के देती है। तो इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट पे हमारा डैम भी काम करता है। समझाने के लिए ये चीज़ है, अभी देखो इसके अंदर एक डीसी मोटर लगी हुई है, अगर हम इधर से बिजली देंगे ना तो ये अपने आप चलेगी और ये चीज़ इस तरीके से घूमने लग जाएगी, लेकिन जब हम इसे इधर से खुद से घुमाएंगे तो ये बिजली बना के देगी अपने को। देखना, देख रहे हो समझ रहे हो, बिजली बन रही है ना। तो ठीक इसी तरीके से हमारे डैम के अंदर भी बिजली बनेगी। तैयार हो बिजली बनाने के लिए? तो चलो फिर अब इसकी जगह काम आएगा ये वाली चीज। लेकिन गाइस यार हमने जो है बना तो दिया, इसका टेस्ट एक बार भी नहीं लिया है, तो सबसे पहले तो इसका टेस्ट करेंगे कि भैया ये जो हमारा डैम है इसकी मदद से हमारा ये जो जनरेटर है ये चल भी पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा, इसके अंदर इतना पानी प्रिजर्व है कि वो इस टर्बाइन को घुमा पाए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसकी बेल्ट मैंने हटा दी है और अब ये चीज़ घूमने के लिए फ्री है। ठीक है, अब हमारे डैम के गेट्स को एक एक करके ओपन करते हैं। देख क्या रहा है, कूजा, अबे कूजा, इसकी शामत आ गई, आज पानी और भी ज्यादा ठंडा है। तो गाइस यार रुको, अभी क्या है हमें इसे उस पोजीशन पे सेट करना होगा जहाँ पर पानी जो है, आजा भाई मुख्य देख रहा है, आजा अकेले से थोड़ी होगा, तो उस पोजीशन पे सेट करना होगा जहाँ पर पानी परफेक्ट घूमे। तो सबसे पहले एक डैम का जो गेट है वो खोलते हैं, पहला वाला ओपन करो। काम कर रही है जबकि इस पे भी हल्का सा पानी गिरा है। जब ये पूरा पानी का प्रेशर इस पे गिरेगा तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो टरबाइन है वो कितनी तेजी से घूमेगी। फिर से सेट करके थोड़ा सा आगे खिसकाते हैं, खिसकाओ, घूम रही है, हाथ से भी नहीं रुक रही, रुक उठाओ। इस छोटे जनरेटर के अंदर छोटी डीसी मोटर लगी, लेकिन हमारे बड़े वाले जनरेटर के अंदर एक बड़ी और पावरफुल डीसी मोटर लगी हुई है। ये जो मोटर है ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और साथ ही साथ इसका मैक्सिमम जो मतलब कि पावर जनरेशन का वो है कितना, मैं पढ़ के बता देता हूँ, 250 वोल्ट। इसको मछली खा रही है, निकल 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 भागे यहाँ से, यहीं पे रियो अभी चालू भी करना है। तो मैं आपको क्या करता कि ये बहुत ही पावरफुल मोटर है और ऐसे हमारे पास एक और दो मोटर से दोनों का जो पावर आउटपुट होगा वो होगा 500 वाट और 24 वोल्ट डीसी और 24 वोल्ट डीसी, तो 48 वोल्ट तक ये हम टोटल इन दोनों मोटरों से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ से हमें डीसी बिजली मिलेगी, लेकिन यार भैया हम कोई कम है किसी से, हम डीसी को एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो हम आपको पहले ये दिखाएंगे कि इससे हम एसी बिजली बना सकते हैं, यानी कि इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, इससे हम पंखे चला सकते हैं, इससे हम लाइट बल्ब भी जला सकते हैं इन दोनों मोटरों की मदद से। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर ये बेल्ट्स लगाते हैं, क्योंकि जब तक ये बेल्ट्स नहीं लगेगी, ओए मछली जल की रानी चल जा वापस जा, बहुत सारी है मछली, अबे जा ओए खाती थोड़ी है वो, आती पांव पे, दोस्ती कर ले उनसे। अच्छा गुजा। तो पहले बेल्ट्स लगा देते हैं, क्योंकि जब अपन इस पे बेल्ट्स लगाएंगे ना तब ये काम होगा। तो ये वाली जो पुल्ली है, हमारे यहाँ पे पुल्ली बोलते हैं, ये वाली पुल्ली बड़ी है, ये छोटी है, अगर ये एक राउंड लेगी तो ये बहुत सारे राउंड लेगी, यानी मोटर बहुत ही रफ्तार से घूमेगी। ऑलराइट गाइस, तो यार अब क्या करते हैं भाई, क्या एसी बनेगी यहाँ पे? अभी एसी बनेगी, एसी बनेगी, पहले तार हटा दे, तो पहले मोटर का टेस्ट ले लेते हैं। पता पड़े वहाँ पे एसी से हो गया काम खराब, क्यों गाइस एसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो डीसी करंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसीलिए हमें पहले जो है इस एक मोटर से ही टेस्ट करेंगे, इसी एक से ही बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे। अरे यार ये ले पकड़, इसको साइड में रख, तैयार हो? ऑलराइट गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अभी मैंने बेल्ट्स भी लगा दिए हैं, अब देखते हैं कि इसकी पावर से मोटर्स भी घूमनी चाहिए दोनों एक साथ, तभी बिजली बनेगी। चलाओ खोलो गेट, खोलो ये वाला, ये पूरे खोलो, ये घूम रहा है, इससे मोटर काफी रफ्तार से घूम रही है, देखो
वाली भी घूम रही है, ये वाली भी घूम रही है। अब जो है ये जो दोनों सिरे है यहाँ से बिजली बन रही है गाइस। और सबसे पहले मैं आपको इस डीसी से एसी बिजली बना के दिखाता हूँ, देखना। तो मैं ये जो दोनों तार है ये कनेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर। लेकिन गाइस एक चीज होती है, यहाँ पे ये जो मोटर है ना ये कंटिन्यूसली सेम बिजली नहीं देगी, यानी कि पावर में कम ज्यादा होगा। उस कम ज्यादा को पूर्ति करने के लिए और साथ ही साथ एसी को डीसी में बदलने के लिए हमने यहाँ पे सिस्टम बना रखा है, देखो दिखाना। तो गाइस यार ये जो सिस्टम है ये डीसी को एसी में बदलेगा और पावर का भी ध्यान रखेगा कि अप्स एंड डाउन होंगे तो उसे वो संभाल लेगा। पकड़ो, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एसी बल्ब है और मैं प्लस को प्लस में लगाते हैं, टेप कर दो, बहुत तेज घूम रहा है यार। आई होप हमारा बल्ब जल जाए बस यार। और गाइस यहाँ से मैंने सर्किट पूरा कर दिया है और अब देखते हैं उधर सर्किट पूरा करते ही बल्ब जलना चाहिए सर। अबे करना गाइस, हो जाएगा करो। चल जा यार, चला। इस तरीके के हम ज्यादा तो नहीं, क्योंकि ये वाले जो बल्ब है, ये वाला देखो ये वाला जो बल्ब है, तार वापस लगा ढंग से, चल गया। तो गाइस यार ये वाला जो बल्ब है ये मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और साथ ही साथ ये भी एसी पे चल रहा है। तार हटा दो, ये एसी पे चल रहा है और बंद कर दो, धीरे धीरे बंद कर दो। तो गाइस अभी ये जो सिस्टम है ये पूरा हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने डीसी से एसी बनाई। लेकिन गाइस यार एसी बहुत ज़्यादा मतलब पावर को ये मोटर इतनी भी पावरफुल नहीं है कि इससे हम यहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी या फिर जितने भी बल्ब हमने इस खेत के अंदर लगाए हैं वो जला सके। इसीलिए हमने डीसी का इस्तेमाल किया है, यानी कि यहाँ पे जितने भी बल्ब लगा के हमने वो सारे डीसी से चलेंगे और भी जो भी हमने यहाँ पे लाइट जलानी वो सारी डीसी से चलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है। तो कम वॉट के अंदर यानी कि कम पावर के अंदर भी जो एलईडी होती है वो ज़्यादा पावर देती है। चाहे तो हम पूरी इसे एसी बना के एसी से बल्ब वगैरह जला सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं जलेंगे। इसीलिए हम अब आप देखना कि किस तरीके से इसको रोशन कर देते हैं सिर्फ इस प्लांट की मदद से। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भैया देखो ये सब बनाने में ये सब करने में रिसर्च जा छोड़ो यार, आप तो मेहनत जानते हैं, बस लाइक कर देना यार। और आई होप आपको सिस्टम भी समझ में आएगा, तो बस लाइक कर दो। और अब हम तैयारी करते हैं सब जगह पे रोशन करने की। तो यार बस रोल एंड्रो। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। पटेल तो गाइस यार हमारे जो चमन भाई साहब है लाइटमैन है, उन्होंने क्या किया, अब डीसी के अंदर प्लस माइनस का चक्कर रहता है, एसी की तरह इसने कनेक्शन कर दिए। अब वो अगर मैं चलाऊं तो एक दो लाइटें उड़ गई भाई साहब, तो वो कनेक्शन सही करते करते भाई लोगों शाम हो गई है। अब देखते हैं कि यार भाई बस मैं देख रहा हूँ कि उजाले के अंदर सारे सिस्टम आपको समझा दूं, लेकिन सूरज डूब गया। लेकिन कोशिश करो यार जल्दी करो, वीडियो बनानी है। अबे तैयार है क्या? बिल्कुल तैयार हो गाइस। यार हमारे इस बंदे ने हाथ खड़े के लिए बोले इस बार मैं अंदर कूदूंगा नहीं भैया, बाहर से वो नोजल खोल दूंगा। तो मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या होने वाला। देखो पहले हम क्या सोच रहे थे, कि इस वाली मोटर से उधर लाइट जाएगी, उधर वाले पिलर जल जाएंगे, इस वाली मोटर से इधर वाली जाएगी और उधर वाली जल जाएगी। लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि इनका मतलब पावर जो है वो एक समान नहीं रह रहा था, तो एक ही स्टेबलाइजर हमारे पास था। तो फिर हमने क्या किया, इस वाली मोटर का कनेक्शन इधर से किया, सीधा ही इधर से आए हम
और फिर इधर हमारा जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर दे दिया, यानी कि दोनों मोटरों का कनेक्शन स्टेबलाइजर के अंदर है। फिर एक वायर उसके अंदर से वापस आ रहा है और ये वाला जो वायर है गाइस ये जा रहा है उधर की लाइन, उधर के पिलर्स के पास में। और मैं भी यार, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि अब अंदर रहने से कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाते हैं और बाहर आके ही आपको जो है सिस्टम चला के दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैमरामैन ऊपर आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। तैयार हो? गाइस इस बार मोटा गया अंदर। ऑलराइट गाइस, तो चलो अभी डैम के सारे गेट्स खोलते हैं। सारे खोलो, फुल पावर चाहिए, फुल पावर। ये ऑलराइट गाइस, यार यानी कि सायरन चल गया, इसका मतलब हमारी जो मोटर्स है तार हिल गया। तार चेक कर, बंद कैसे होगी, लाइट बंद कैसे होगी, चेक कर। ऑलराइट गाइस, तो यार सायरन चल गया, इसका मतलब हमारी जो दोनों मोटर्स है वो बिजली बना रही है। और रफ्तार देखो कितनी तेज रफ्तार से घूम रही है, देखो गाइस। और गाइस रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। इसके अंदर हमने पहले सोचे थे सिर्फ डीसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने कहा कि यार एक जो लाइन है वो अपन एसी की भी रख देते हैं। इसके अंदर एसी लाइट भी है और डीसी भी है। जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं, फिर जो ज़्यादा है वो तो है डीसी से, और जो यहाँ पे एक दो स्विच है वो एक मतलब एक एसी का है और एक और एसी का, जिससे अपन फोन चार्ज कर सकते हैं या फिर बल्ब जला सकते हैं। ज़्यादा एसी को इस्तेमाल में नहीं ले सकते। और साथ ही साथ गाइस यार, हमने बाकी जितनी भी लाइटें वो सब बंद कर दी है। अब जितनी भी लाइटें जलेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस हाइड्रो पावर प्लांट से ही जलेगी। तो हम एक एक करके लाइटें जलाते हैं। पहले पिलर्स की जलाओ गाइस, आप देख सकते हैं कि उधर की लाइटें जल गई है, उधर वाले पिलर्स की, अभी इधर वाले पिलर्स की भी जल चुकी है गाइस। और अब हमने जो पहाड़ों के ऊपर कुछ चीजें लगाई है, तो चलो पहाड़ों वाली लाइटें भी चालू करते हैं, चलाओ। फाइनली हमारी सारी लाइटें जल रही है, पहाड़ों की लाइटें भी जल रही है, पिलर्स की लाइटें भी जल रही है, देखो पेड़ की लाइट भी जल रही है गाइस। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास थोड़ी सी एसी भी है, हमने एसी का भी इस्तेमाल किया, तो एसी बल्ब जला के दिखाते हैं इससे आपको। ये डीसी है और अब इससे एसी बल्ब जला के दिखाते हैं। एक बल्ब भी हम जला सकते हैं, कोई तार आराम से ये भी हानि। इधर देखो ये और ये बन रही है बिजली। इसका आप है ना फोन चार्ज करके देखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत तो फोन चार्ज की होती है ना। अगर फोन चार्ज होने लग जाए, फोन तो खैर होगा ही, फोन चार्ज होने लग जाए तो वीडियो को तो लाइक करना है यार, फिर है ना। ऑलराइट गाइस, फोन दो किसी का, फोन दो। ओहो कैमरामैन को जल्दी है यहाँ। ऑलराइट गाइस देख लो, ये फोन बनने अभी हो जा। आप देख सकते हैं कि सारी इलेक्ट्रिसिटी जो भी बन रही है, जितनी भी, हालांकि वो जो थोड़े से बल्ब है वो थोड़े से डिम जल रहे हैं, कोई बात नहीं यार, लेकिन ये सारा काम हो रहा है इस हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से। ये देखो चार्ज हो रहा है ना फोन, चार्ज हो रहा है ना गाइस। ऑलराइट गाइस यार, अब मैं आपको देता हूँ इसका पूरा ओवरव्यू, एक ड्रोन शॉट लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा नजारा आ रहा है। जितनी चारों तरफ घूम के आप देख लो, जितनी भी लाइटें आप देख रहे हो ना गाइस, ये सारी अभी हमारे पावर प्लांट से जल रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो गाइस, ये सारी लाइट्स जो है हमारे पावर प्लांट से जल रही है। इस पेड़ के अंदर हो, चाहे ये जो ये खंभों पे जो लाइट्स है गाइस, ये देखो ये सारी भी इससे जल रही है। इस वाली लाइट को एक बार बंद करना, तब अपने अब देखो गाइस, ज़्यादा रोशनी तो नहीं है लेकिन फिर भी देखो इतनी रोशनी है जो कि हमारा पावर प्लांट जनरेट कर रहा है। उधर देखो गाइस, उधर देखो, अभी देखो बन रही है वहाँ पे बिजली। उधर पहाड़ों की लाइटें भी जल रही है, पिलर्स की लाइट्स भी जल रही है, और हमारा जो छोटा सा मकान है उसकी भी लाइट जल रही है यार। वो मैं आपको दिखाने बोल गया, खैर बाद में दिखा दूंगा, पहले इधर आओ गाइस, देखो ये सारी जो लाइट्स है। अरे मेन लाइट भी जलने दो, थोड़ा अंधेरा आएगा यार, मेन लाइट भी हल्की सी जलने दो, है ना। थोड़ी सी एलसीडी का भी इस्तेमाल कर रहे, दे 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 यार, ये देखो इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वीडियो फुटेज काली आएगी। ये देखो गाइस, अभी देखो हमने सारी लाइट्स को बंद कर रखा है, और ये देखो इधर डैम के अंदर पानी आ रहा है, इधर ये देखो इधर डैम के अंदर पानी आ रहा है गाइस, और उधर डैम के अंदर पानी जा रहा है, और उधर वो देखो सायरन जल रहा है, इसका मतलब कि बिजली बन रही है। फाइनली यार, दिन के अंदर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे क्या, वो मेरे चमन से गलती हो गई थी कि जो बिजली का वो जो है क्या बोलते हैं उसको, तार उसने थोड़े से उल्टे सीधे लगा दिए थे, उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। लेकिन बाकी गाइस अब भी आप देख सकते हैं यार, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली। थोड़ा सा ये देखो, ये जो बल्ब्स हैं, बल्ब्स की लाइट थोड़ी सी डिम है, ये देखो गाइस बल्ब्स की लाइट देखो थोड़ी सी डिम है। ये डीसी वाले बल्ब हैं, ये एसी नहीं है। ये जितने भी आप पिलर्स पे लाइट्स देख रहे हैं सब डीसी है, वो जो पीछे पहाड़ों पे लाइट देख रहे हैं वो भी डीसी है। सिर्फ एसी से हमने बल्ब जलाया, फ़ोन को चार्ज किया और बस इतना ही। ये देखो गाइस अभी तक भी काम कर रहा है हमारा डैम।
हो, एक बार लौंडा शोर हो जाए। Our team is perfectly working, guys. Working. देखो रफ्तार देखो यार, दोनों मोटर्स की कितनी ज्यादा तेज है। एक बार ये लाइट बंद करना। ये देखो गाइस, ये सारी जो लाइट है ये हमारे डैम से बन रही है। ये देखो, ओहो, पकड़ो पकड़ो कैमरा पकड़ो। तो गाइस यार फाइनली हमारा मिशन पूरा हुआ। हमने डैम भी बनाया, डैम से बिजली भी बनाई, एसी भी बनाई, डीसी भी बनाई, उसे चला के भी दिखाया। और ये प्रोजेक्ट अब यहीं खत्म होता है। और आई होप यार आपको इस सिंपल से प्रोजेक्ट से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो बिजली हमारे घरों तक आती है उसे वाटर की मदद से बनाया जाता है। हाँ, वो थोड़ी सी जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसके अंदर अलग तरीके के जनरेटर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो कुछ इसी तरीके का होता है जिस तरीके से यहाँ पे बिजली बन रही है। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो लाइट्स हैं ये थोड़ी सी कभी डिम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है वो थोड़ा सा अपडाउन है इस, लेकिन फिर भी सब ठीक है यार, लाइटें बन गई ना, बिजली बन गई, बस वही बड़ी बात है। हालांकि इससे हम प्रैक्टिकल यूज में तो नहीं ले सकते इस बिजली को कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि जैसे ही डैम खाली हो जाएगा तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। लेकिन जो रियल डैम्स होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं गाइस, तो उनमें से तो अपन घरों की बिजली भी आ जाती है। लेकिन फिर भी यार खुशी इस बात की है कि हमारा डैम काम कर रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। एक महीने से ज्यादा की मेहनत फाइनली रंग लाई। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक एम बताओ इनको यार, लाइक एम। हाँ बोल बोल, पहले इनको घर बताओ। पहला रे, हाँ ओ सॉरी, घर तो बताया नहीं था यार। चलो भाई घर बता के आओ भाई आराम से। तो भाई ये रहा घर, छोटा सा घर भी बनाया हमने। अभी नहीं बताते थे, ये नाराज हो जाते, बोले हमने इतना प्यारा घर बनाया तुमने वीडियो में बताया नहीं। तो ये देखो गाइस, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही छोटा सा बल्ब लगा रखा है। ये भी डीसी है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे ही बना दिया यार, बस के एक घर भी होना चाहिए छोटा सा, इसलिए बस बना दिया था। तो ये भी उसी मोटर से जल रहा है, सब कुछ वैसे ही है। तो अब करते जय हिंद जय भारत। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए एक बार फिर से बस इतना ही, हम मिलते इसके नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। चार्ज लगा लेना फोन अपनी, घर की बिजली कोई बिल नहीं आएगा, नहीं कोई बिल नहीं आने वाला इस बिजली का, अपने बाप की बिजली है।